हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन देखते रहिए। रीज़न ये है, देखिए हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं मतलब न्यूमेरिकल ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप ये समझिए कि जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं या फिर गेसिंग पेपर बनता है उन पेपर को जरूर आप सॉल्व करेंगे, हम उनके भी क्वेश्चंस यहाँ पर उठा ले रहे हैं। ठीक है, और ये समझिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसके बाद वाला और ज़्यादा, उसके बाद वाला और ज़्यादा, ऐसे ही है इसमें, मतलब ये ऑर्डर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग की। फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछता है, अगर आपसे लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछता है, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन अगर पूछता है तो आप लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस, आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो इसको लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और एक चीज समझिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका एक्स ए के बराबर होता है, मतलब जो सॉल्यूट आपने लिया है उसके मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं सॉल्यूट का, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, आप ये लिखते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर वेट या मॉलिकुलर वेट दे रखा हो तो उस टाइम आप इसको ज़ीरो मान के चलेंगे। ठीक है, तो ज़ीरो जब मानेंगे, हालांकि फॉर्मूला डिराइव करने, ठीक है, जब इसको जीरो मानेंगे आप तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ए। अब एक्स ए की जरूरत खत्म है यहां पर, क्योंकि अब आपका अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए और बी दोनों के मोल दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब नहीं दे रखा होगा तो आप यूज करेंगे एन ए अपॉन एन बी, और इसको यूज करेंगे कि आप लिखेंगे इसको डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, आप ये फॉर्मूला जरा देख लीजिएगा, बताए हैं कुल मिलाकर के पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ऐसा नहीं कि ये हम नहीं बताए हैं, ये बता चुके हैं, ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपका वेट और मॉलिकुलर वेट दिया हो, ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब आपका मोल फ्रैक्शन या मोल दिया हो। ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा एन ए प्लस एन बी, ये रहेगा, बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं लोअरिंग या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो दो ही फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं इन दोनों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा उसको भी सोच समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो जरा पहला क्वेश्चन लिखिए, बोल रहा है कि 5 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, 5 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 1.2 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉमा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉमा इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 60, मतलब जो विलेय है उसका अणु भार दिया है 60, देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय और सॉल्वेंट यानी विलायक का दिया है।
ठीक है। चलिए, जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप एक को ए और दूसरे को बी मानेंगे। आपको पता है कि ये हमारा होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, विलेय, और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं विलायक। इसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। आपको कुछ बात समझ में आ रही है, एक सॉल्वेंट है दूसरा सॉल्यूट है, मतलब पहला सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है। एक बार जरा वैल्यू रखिए, तो चलिए सॉरी वैल्यू एक बार रखिए, आपको क्या दे रखा है, डब्ल्यू ए ये दे रखा है 5 ग्राम, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, और यहाँ पर डब्ल्यू बी दे रखा है 50 ग्राम, डब्ल्यू बी की वैल्यू 50 ग्राम आपको ये दे रखा है। आगे पी नॉट की वैल्यू, पी नॉट की वैल्यू दे रखी है आपकी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये दिया गया है। आगे आपसे एम बी दिया गया है क्या, हाँ एम बी आपको दिया गया है, एम बी की वैल्यू आपकी दे रखी है 60 ग्राम पर मोल होता है, लिखते नहीं है बार बार, ठीक है। अब आगे आपसे एक और चीज़ बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है जरा देखिए, तो देन देखिए, देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 1.2, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको रखेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस, आपको ये पता है पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 1.2, आपका 1.2 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी एम बी की वैल्यू आपसे, सॉरी एम ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए फॉर्मूला अगर हम बताए थे वेट, मॉलिक्यूलर वेट ये सब दिया हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू 1.2, पी नॉट की वैल्यू आपकी 40 दे रखी है, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए की बात करें तो 5 है, एम ए की बात करें तो पूछा है, एम बी की बात करें तो एम बी आपका 60 है, डब्ल्यू बी की बात करें तो ये आपका 50 है। तू गयो, तू गयो, तू गयो, तू भी गयो, ठीक है। अब आगे 6 × 12 = 2, तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 0.2 एम ए इज इक्वल्स टू 40, यानी कि एम ए इज इक्वल्स टू 40/0.2, तो ये आएगा 400/2, यानी कि 200, कितना आएगा 200 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपने जो सॉल्यूट ले रखा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू आएगी 200, ये आपका आंसर है, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए महाराज समझ में आ गया होगा आपको, हरिहर आ गए होंगे, है ना, हाँ जी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इज 10 torr, आप लिख लीजिए इज 10 torr, वेपर प्रेशर बोल रहा है प्योर सॉल्वेंट यानी ए का, तो लिखेंगे पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 10 torr, आपको ये दे रखा है। आगे बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट बी इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ए, ठीक है। अच्छा इसमें ए को सॉल्वेंट माना है, सॉरी ये हम गलत लिख दिए हैं, ए को उसने सॉल्वेंट माना है और बी को सॉल्यूट माना है। चलिए यहीं पर कहानी हम थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि पूरा का पूरा समझ में आ जाए, इस क्वेश्चन में बोला है जो वो लिखते हैं, बी को इसने माना है सॉल्यूट, ठीक है, और क्वेश्चन वहीं पर रोक दीजिए,
एक को माना है सॉल्वेंट, इसने ये माना है, बी को सॉल्यूट और ए को सॉल्वेंट। अब आगे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इज 10 torr, मतलब आपको बोल रहा है कि पी ए नॉट की वैल्यू 10 torr ये आपको दे रखी है, ठीक है। अब आगे 1 gram ऑफ सॉल्यूट बी इज डिजॉल्व इन 200 gram ए, 1 gram सॉल्यूट बी, तो ये आपका 1 gram है, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 1 gram, ये आपके सॉल्वेंट यानी कि डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 200 gram डाला जाता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा पलट दिया है ना, क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है कि डिजॉल्व इन 200 ग्राम ए देन वेपर प्रेशर ऑप्टेंड ऑफ ऑप्टेंड सॉल्यूशन इज 9 torr, बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है, जो आपको सॉल्यूशन मिला है उसका वेपर प्रेशर 9 torr हो जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, मतलब पी एस की वैल्यू आपको दे रखा है 9 torr, आपको ये दे रखा है। अब आगे आगे बोल रहा है कि देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बी, यानी कि आपसे मॉलिक्यूलर वेट यानी डब्ल्यू सॉरी एम बी की बात कर रहा है। अब आगे आगे बोल रहा है बी वाइल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज 2 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, तो ए अरे यार यहाँ पर ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, एक मिनट यार क्या पूछा है, देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बी, अच्छा ये बी है, ये बी है, सॉरी हमारी कन्फ्यूज आ जा रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ई ए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज 2 ग्राम पर मोल, आपको ये दे रखा है, ठीक है। आगे आपसे पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए, देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बी, एम बी पूछ रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला पुट करिए, तो रखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी और ऊपर क्या आ जाएगा एम बी, जो जैसे वैसे रखिए, पी नॉट माइनस पी एस, तो अगर पी नॉट की बात करी जाए तो पी नॉट कितना है 10, में से क्या घटाएंगे 9, बटे में पी नॉट ना, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, सॉरी डब्ल्यू ए बी, अरे यार ये है, डब्ल्यू ए की वैल्यू दे रखी है 200, बटे में एम ए की वैल्यू दे रखी है, एक मिनट यार नहीं रुक जाइए, यहाँ पर हम ही गड़बड़ा रहे ना, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर भी बी लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर भी ए लिखेंगे, सॉरी क्योंकि हम पहले के फॉर्मूले के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों खुद बोला है उसने, बदल दिया है सब कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर 10 में से 9 बटे में 10 ये तो ठीक है। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1, आपसे एम बी पूछा है, इंटू एम ए की वैल्यू कितनी है 2 बटे में डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 200, ये तो 2 का करेंगे तो 200 ये बनेगा, 1 बटे में 10 बराबर 1 बटे में 100 एम बी आपका ये बना, 10 से काटेंगे 0, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, सॉरी दोनों को भेजेंगे ना, इसको यहाँ भेजिए, एम बी बराबर 1 बटे में 10 बनेगा, यानी ये आएगा 0.1 ग्राम पर मोल, आपका ये आंसर होगा, यानी कि एम बी की वैल्यू कितनी आएगी
0.1। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बोल रहा है कि 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेंड सॉल्यूशन व्हाइल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 18 mm ऑफ HG। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए, सॉल्यूट के रूप में यूरिया लिया है और सॉल्वेंट के रूप में आपका वाटर लिया है, ठीक है। सबसे पहली एक चीज़ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया होता है 60 ग्राम पर मोल। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, MB की वैल्यू ये आ जाएगी 18 ग्राम पर मोल, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आगे की कहानी जरा सुनिएगा। बोल रहा है कि 6 ग्राम यूरिया लिया गया है, तो WA की वैल्यू कितनी हो गई 6 ग्राम, और आपसे बोल रहा है कि जो आपने वाटर लिया है तो वाटर की मात्रा दे रखा है आपका, वाटर की मात्रा नहीं दे रखा है, नहीं नहीं 100 ग्राम है, यानी कि WB की वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम आपका ये, ठीक है। आगे सुनिए, आपसे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर इज 18 mm ऑफ HG। अगर हम वाटर की बात करें तो पी नॉट ना, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर वाटर का अगर वेपर प्रेशर है तो उसे पी नॉट बोलते हैं, और ये आपको दे रखा है 18 mm ऑफ HG, 18 mm ऑफ HG आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब आगे की कहानी जरा सुनिए। आगे आपसे बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन बना है ना, आप उसका वेपर प्रेशर बताइए, यानी कि ऑब्टेंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी PS बताइए। देखिए, जो भी आपके सामने फॉर्मूला है, मतलब आपको पता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला रखिए। चलिए, पी नॉट माइनस PS, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 में से क्या घटा देंगे PS, अपॉन PS की वैल्यू कितनी है, अरे सॉरी पी नॉट ना, और पी नॉट की वैल्यू 18 इज इक्वल्स टू WA 6 है, MA कितना है 60 इंटू WB, नीचे कितना दिया है तो WB 100, MB की बात करें 18, आपको इतना पता है, ठीक है। 6 × 60 ये 10 आएगा। अब जरा ये कितना बन गया 1000, अरे 1000 बना ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक काम ये कर सकते हैं, नहीं फिर भी करना पड़ेगा अपने को, तो करिए। तो ये कितना बनेगा, 18 माइनस PS अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 18/1000 आपका ये बनेगा, मल्टीप्लाई करिए। 18 × 0 माइनस 1000 PS इज इक्वल्स टू 18, 18 × 18 में गुणा करिए तो 18 × 324 होता है क्या, मे भी 324 होता है, देखिए इस टाइम हम गुणा गए हैं ना, ज़्यादा यूज नहीं होता है इसलिए 324, ठीक है 324 ये आ गया। इसको इधर फेंक दीजिए और इसको इधर फेंकिए, 18000 में से 324 घटाइए, बराबर कितना कर दीजिए 1000 PS आप ये करेंगे। जब एक 18000 में से 324 घटाएंगे तो बनेगा कितना 6, 10 में से 4 6, 9 में से 2 7, 9 में से 3 6, 7 1 बराबर 1000 PS ये बना। PS की वैल्यू कितनी आ गई 17 × 676/1000, ये कितना चला जाएगा 17.676, इतना mm ऑफ HG बनेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 17.68 ये आपका क्या बन जा रहा है, ये आपका बन रहा है वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका बन रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उन क्वेश्चन को भी अपन देखते हैं। हाँ जी, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखने से पहले आप एक नोट लिखिए, नोट में लिखिए कि देखिए
हम समझा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का अगर आपको वेपर प्रेशर ना दे रखा हो, अगर क्वेश्चन में प्योर सॉल्वेंट का क्या, अगर प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर की बात हो रही है, स्पेशली वाटर की बात हो रही है, हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक नोट लिखिए, लिखिए आप, जैसे आप पहले समझ लीजिए, मान लीजिए आपको वाटर दिया है, ठीक है, प्योर वाटर, और प्योर वाटर का अगर क्वेश्चन के अंदर वेपर प्रेशर ना दे रखा हो, तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर आप लेते हैं पी नॉट, या तो 1 atm लेंगे या तो आप लेंगे 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो आप लिखिए हिंदी में लिख लीजिए, यदि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ना दे रखा हो तो 1 atm या 760 mm ऑफ Hg लेते हैं। बस ये क्वेश्चन अब लिखिए, बोल रहा है कि अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, देन वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्टेंड सॉल्यूशन इज 750 mm ऑफ Hg, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। आपको क्या बोल रहा है, वाटर है, वाटर के अंदर कोई सॉल्यूड पार्टिकल डाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर वाटर के अंदर सॉल्यूड पार्टिकल डाल रहे हैं तो ये आपका क्या है, सॉल्यूट है, और ये पार्टिकल कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। आगे प्योर वाटर का आपको वेपर प्रेशर नहीं दे रखा है तो आप 760 या 1 atm ले लीजिए, जो मन करे वो दोनों में से ले लीजिए। अब आगे सुनिए, आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है, जब आप इस सॉलिड को इस वाटर के अंदर डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 750 mm ऑफ Hg दिया है, तो आप कंफर्म हो गया कि इसका मतलब कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 760 होगी, 760 mm ऑफ Hg ये होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ रहा है कि जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, यानी कि आपसे Xb की वैल्यू पूछ रहा है कि Xb की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग इसमें बात करें तो फॉर्मूले में पता है कि पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 760, तो आप लिखेंगे 760, पी एस की वैल्यू 750 अपॉन में पी नॉट यानी 760 इज इक्वल्स टू Xa, अरे ये होता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही होता है, 10 बटे में 760 आएगा बराबर Xa, काटिए कितना आ गया, Xa की वैल्यू 1/76 आ गया। आपसे Xa नहीं पूछा था, आपसे पूछा था Xb, लेकिन आपको पता है कि Xa प्लस Xb की वैल्यू होती है 1 के बराबर, और Xa की वैल्यू 1/76 प्लस Xb इज इक्वल्स टू 1, तो आप देखिए Xb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1/76 यानी कि 75/76 mm, ये मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि जो आपने सॉल्यूड पार्टिकल लिया है जो वाटर है वो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 75/76, क्लियर है, इसको कॉपी करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं उसके लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं।